नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट लाइव पर। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 में आज यानी 29 सितंबर को सनराइजर्स हैदराबाद में अपनी पहली जीत हासिल की। हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 162 रन बनाए। हम आपको बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट पर 147 रन ही बना पाई और 15 रन से पीछे रह गई। दिल्ली की यह 3 मैचों में पहली हार है। दिल्ली के लिए ऋषभ पंत उम्मीद की आखिरी किरण थे। ऋषभ पंत ने 27 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों के साथ 32 रन बनाए, लेकिन 17वें ओवर में राशिद ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। दिल्ली की उम्मीदों पर तुषार आपत कर दिया। पंत के अलावा शिखर धवन ने 31 गेंद में 34 और सिमरान हेटमेयर ने 12 गेंद में 21 रन बनाए। दोस्तों, हैदराबाद की ओर से डेविड वार्नर ने 33 गेंद में 45, जॉनी ब्रिस्टो ने 48 गेंद में 53, केन विलियमसन ने 26 गेंद में 41 और अब्दुल समसद ने 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 7 गेंदों पर 12 रन बनाए, वह नाबाद रहे। समसद ने इसी मैच से आईपीएल में अपना डेब्यू किया है। दिल्ली की ओर से अमित मिश्रा और कगिसो रबाडा ने 2-2 विकेट लिए। अमित ने 4 ओवरों में 35 रन दिए, रबाडा ने 4 ओवर में 21 रन दिए। दोनों टीमों के बीच अब तक 16 मैच हुए हैं। इनमें से सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 6 मैच जीते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में दोनों के बीच अब तक 2 मैच खेले गए, दोनों में हैदराबाद ने जीत हासिल की है। तो दोस्तों, ये था क्रिकेट का 11वें आईपीएल का हाल। और भी वीडियो हमारे आपको अगर चाहिए तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो हमारा और जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप दीजिए अपने दोस्त अंकुर तिवारी को इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।